हाय वेलकम टू एक्जोटिक पेट एसोसिएशन, माय नेम इज़ निशान। और ये वीडियो भी थोड़ा बात करेंगे पपीज़ अंडर एज और अंडर ग्रोथ पपीज़ का जो सेल करते हैं ब्रीडर लोग, जिसको मैं बोलूँगा ग्रीडी या फेक ग्रीडर लोग, फ्रॉड ब्रीडर या फ्रॉड सेलर। ये लोग फ्रॉड सेलर होता है क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड करके कोई पप्पी लोगों के हाथ में दे देता है, जिससे कि लोगों का क्या होता है, जो आप एक एक्सपेक्टेशन रख के एक पप्पी घर लाते हैं, जब वो अपने एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरते हैं तो आपको बहुत दुख होता है, और जो आपका पेट लवर था वही पे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये सब पपीज़ अभी भी थोड़ी देर पहले मैं ग्रुप में एसोसिएट हूँ, उस ग्रुप में पोस्ट किया कोई कि गुड क्वालिटी बुल्ली पपीज़ फॉर सेल एट चीप प्राइस। तो ऐसा हेल्थ का पपीज़ जो कि मोटा मोटी ये 15-20 डेज का पपी है, ये बहुत कम दम में ये लोग बेच रहे हैं। और ऐसे अगर पपी आप घर में लाएंगे, मतलब 20 दिन का 22 दिन का पपी आप घर में लाएंगे, अपने बच्चों को गिफ्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट खेल कूद के ये थक जाएगा, उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, मतलब हाँफने लगेगा और आँख बंद हो जाएगा आपको, और बार बार क्या बोलते पानी पिलाना पड़ेगा, उसको देखभाल करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपको लगेगा कि सेलर आपको मतलब बीमार कुत्ता दे दिया, मतलब अंडर एज का कुत्ता दे दिया, अनडेवलप अनग्रोथ जिसको बोलते डेवलप नहीं अनग्रोथ मतलब अंडर ग्रोथ पप्पी दे दिया। उससे क्या होता है, आपका जो एक इंटरेस्ट होता है पेट में, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको पता नहीं है कि पप्पी का एज क्या है, एज मैटर करता है कि नहीं, उसको लगेगा कि पप्पी लाया है तो हमेशा उसके साथ खेलते कूदते रहना चाहिए, और जाने अनजाने में ही पप्पी मतलब पप्पी का बहुत हैरेसमेंट होगा, और पप्पी को जैसे हम लोग बहुत तकलीफ़ देंगे पप्पी को। तो ऐसा कभी मत करो, कोई सेलर आपको सेल भी कर रहा है पप्पी ऐसा, तो आप इतना अंडर एज का पपी मत लो। अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदने जा रहे हो तो किसी ऐसे को लेके जाओ जो पहले पपी रख चुके हैं, जिसको पता है कौन सा पपी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल ब्रीड्स है जिसमें सेलर नया नया जो पेटों को मतलब आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं, उन लोगों को तो मतलब टोपी पहना सकते हैं। तो चलिए ऐसे दो ब्रीड के बारे में बात करते थोड़ा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो ब्रीड है जिसमें सेलर बहुत आसानी से टोपी पहना सकते हैं, वो है पग। एक्चुअली पग साइज में बहुत छोटे होते हैं, दूसरा ब्रीड से बहुत छोटे होते हैं। तो एकदम से छोटे एज में पग को जो नया ब्रीडर है, नया नया जिसका इंटरेस्ट आया है, नया ब्रीडर ने जो बायर है उसको पता नहीं चलता है कि पग का एक्चुअल आपका दो महीने में या डेढ़ महीने में साइज़ कितना होना चाहिए। और नया अगर कोई लेने जाता है, दुकानदार को पूछता है या ब्रीडर को या सेलर को पूछता है ये कितना एज का है और कितना ग्रोथ होना चाहिए, तो उसको पता चलता है कि ये नया बायर है, और उसको वही 15-20 डेज का पप्पी थमा देते हैं, देखे बोलता है ये डेढ़ महीने का है, दो महीने का है। क्योंकि पग का साइज मोटा मोटी डेढ़ महीने में जितना होता है, आपका दो महीने में भी ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, और 15-20 डेज में भी मोटा मोटी उतना ही रहेगा। नया बायर को, नया जो पेट लवर है, नया जो डॉग खरीदना चाहते हैं, उनको पता नहीं चलता है इतना ही एज का रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई पग का शौक रखते हैं, पग खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा एक एक्सपीरियंस वाले को लेके जाइए, या तो पहले बहुत अच्छा स्टडी करके गूगल या इंटरनेट स्टडी करके ही जाइए पग खरीदने के लिए। और दोस्तों, सेकेंड जो छोटा सा ब्रीड है ये है कल्चर स्पिट्स रहते हैं, तो इसका भी थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, कौन सा एक महीने का है, कौन सा डेढ़ महीने का है, कौन सा 20 दिन का है, 22 दिन का है, ये खाली एक्सपीरियंस वाले ही पता चला सकता है, और ब्रीडर और सेलर जो है वही पता चला सकते हैं। तो जब भी आप कल्चर स्पिट्स या ऐसे इंडियन स्पिट्स हो, जर्मन स्पिट्स हो, ऐसे छोटा ब्रीड का डॉग्स लेने जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए एक किसी एक्सपीरियंस वाले को या एक्सपीरियंस वाले को साथ में लेके जाइए, ये या थोड़ा खुद एक्सपीरियंस बना के जाइए थ्रू नेट, थ्रू गूगल, और किसी से पूछ के, किसी का पपीज देख के ऐसे करके जाइए। और हमेशा जब आप पप्पी खरीदे तो पप्पी का देखिए, पप्पी का मतलब अच्छी तरह से वर्क कर सक
कर रहा है या क्रॉल कर रहा है, अगर पप्पी वॉक करते वक्त दो चार कदम चलते ही गिर जाता है और क्रॉल करने लगता है, तो वो डेफिनेटली 20 डेज के आसपास के पप्पी हो, उसको मत लीजिए। तो यही था दो ब्रीड में। एक्चुअली छोटा ब्रीड में हमेशा ऐसे होता है, और बड़ा जो ब्रीड होता है उसमें थकबाजी थोड़ा चीट नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता चलता है कि बड़ा साइज का कितना होता है और पप्पी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो होप आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करना और सब में इसको।